चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अजलास में करप्शन के 9 केसेस की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। साबिक वफाकी वजीर साद रफीक और रेलवे अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी दे दी गई है। मजीद जानते हैं राहील सैयद से। जी राहील सैयद। जी चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के साथ रेल में होने वाली मुबैना करप्शन पर जो है बकायदा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। और अभी इस हवाले से ख्वाजा साद रफीक और उनके जो दीगर रेलवे कप्तान है उनसे नैब इंक्वायरी करेगा, जबकि जो पैरामा सिटी के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी था उसमें भी इंक्वायरी चली गई ख्वाजा साद रफीक की, उसमें बकायदा उसे इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक, उनके बड़े ख्वाजा सलमान रफीक, उसके बाद जो चेयरमैन है पैरागॉन के कैप्टन अमीन भट्ट और नदीम जिया के खिलाफ जो चलने वाली इंक्वायरी को बकायदा तहकीक का जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। इस इजलास में जो है 5 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें बड़ा रेफरेंस जो है लाहौर पार्किंग कंपनी स्कैंडल में शायद सामने आया, जिसमें उनके जो साबिक एमपीए मुस्लिम लीग नून के हाफिज मोहम्मद नुमान जो साबिक चेयरमैन भी थे इस कंपनी के, इसके अलावा जो सीईओ थे कंपनी के तासीर अहमद और इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें यह कहा गया कि 80 मिलियन रुपए की। शुक्रिया राहील सैयद तफसीलात से आगाह करने के लिए।